हेलो आया, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासिमाबाद हैदराबाद। सो जी बच्चों, हम मैथमेटिक्स समझते आ रहे हैं, समझ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो हम मैथमेटिक्स कंटिन्यू रखते हुए आज की क्लास में जो हमें समझने को मिल रहा है वो आपके सामने स्क्रीन पे एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 8 समझेंगे, सीखेंगे। सही बच्चों, रेडी हैं समझने के लिए? तो आइए समझते हैं, कंसंट्रेशन से गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉब्लम को पहले हम वर्ड बाय वर्ड रीड करते हैं, क्या गिवन है, कैसे फाइंड करना है, कैसे क्वेश्चन को घुमा के दे रहे हैं, मैं चीजिए ठीक है। सो आइए समझते हैं, गौर से समझिएगा। देखिए रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन इसके रूट जो है वो आर इक्वल, ये इक्वेशन है, इक्वेशन में ए बी सी रूट्स की नेचर की बात कर रहा है यहां पर, कह रहा है कि ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, रूट्स के नेचर की बात हुई तो मीन्स अब चैप्टर नंबर 3 यहां पर घसीट के लाया है। सही है, चलो इक्वल है, जो प्रूफ दैट ए बी सी, जो ए बी सी यूज हो रहे हैं आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये प्रूफ करना है ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सही बच्चों, आई बस ठीक है। अब देख कहां चैप्टर नंबर 3 को लाकर एचपी के साथ इसने मिला दिया है, तो अब चैप्टर नंबर 3 जहन में है, रूट्स की नेचर की बात हो रही है, तो रूट्स की नेचर अगर की बात कर रहे हैं तो रूट्स की नेचर डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास जो फैक्टर मौजूद है, टर्म मौजूद है, अब जहन में होना चाहिए क्या है, डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी, वो ही रूट्स की नेचर के बारे में बताती है जहन में 3.5। सही है, आइए समझते हैं सॉल्व करें। तो कंसंट्रेशन समझिएगा कैसे सॉल्व हो रहा है, प्रूफ दैट अगर प्रूफ लिखेंगे ना समझेंगे, ये चीज आप जहन रखनी है। देखिए रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल, तो मैं इक्वेशन ये कर लिख रहा हूं ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, तो ये एक और इक्वेशन है, इनके रूट्स इक्वल है। सही, रूट्स इक्वल है, नेचर रूट्स की बात हो रही है, तो रूट्स की नेचर डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है, वो यूज करेंगे वो हम यहां पर ठीक है। तो एज वी नो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर सी, ये है डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी, रूट्स की नेचर की जब बात होगी तो वहां पर ये प्रॉपर्टी यूज की जाएगी। तो कह रहे हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, सही है। अब इस प्रॉपर्टी में बी ए सी जो टर्म्स यूज है वो डिस्क्राइब करेंगे हियर, ए का मतलब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में आपके जहन होना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, ए मींस एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट, बट वेरिएबल जो भी है वेरिएबल के स्क्वायर का कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ ए, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंप्लीटली ए बी माइनस सी, वैल्यू ऑफ बी मींस एक्स वेरिएबल का कोएफिशिएंट, तो एक्स का कोएफिशिएंट ये बी ब्रैकेट में सी माइनस ए, एंड फाइनली सी मींस कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर जिसके साथ वेरिएबल मौजूद नहीं है, दैट इज सी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ओके बेटा, आई पास समझ में ठीक, फिर चैप्टर नंबर 3 आप अगर दो बार आपसे देखिए रिवाइज हो रहा है 3.5 हो गई। चलो ए बी सी की वैल्यूज एक्सट्रैक्ट की फ्रॉम द इक्वेशन, अब इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सी क्वेश्चन में, सॉल्व करेंगे, समझते हैं एक्चुअली में ए बी सी है कि नहीं ठीक है। सो आइए, सो डी इक्वल टू b की जगह पे b की वैल्यू लिखेंगे, जो b ब्रैकेट में c माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, a की वैल्यू a ब्रैकेट में b माइनस c मल्टीप्लाई c के साथ, c की वैल्यू c ब्रैकेट में a माइनस b। सही, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, नथिंग एल्स, तो गौर से समझिए, अब सिंपलीफिकेशन हो गई, तो मैं यहां पर साइड पे देयरफॉर d जो डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स इक्वल है, अगर रूट्स इक्वल है इक्वेशन के तो डिस्क्रिमिनेंट जो डी है वो जीरो के इक्वल होता है, जेन है तो डी को जीरो के इक्वल रिप्लेस करोगे, आ गया।
अब b c माइनस का होल स्क्वायर तो दोनों में स्क्वायर है, b पे भी स्क्वायर दे दे, c माइनस a होल स्क्वायर, सही। माइनस फोर ए सिंगल टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, सिंगल फैक्टर है फोर ए सी, बाकी ये दोनों ब्रेकेट b माइनस c एंड a माइनस b सेम है, सही चीज क्लियर हुई। d रिप्लेस पर जीरो बिकॉज रूट्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई d इज जीरो। रिमेनिंग दोनों टर्म में होल स्क्वायर, दोनों में सेकंड स्क्वायर लिखा 4a मल्टीप्लाई c के साथ, बाकी रिमेनिंग ब्रैकेट्स आर सेम। ओके अब देखें ये b स्क्वायर सेम है, b स्क्वायर के साथ c माइनस है, दो टर्म्स माइनस में है होल स्क्वायर में है, तो स्क्वायर रिमूव करने के लिए फार्मूला हमारे पास मौजूद है, a माइनस b होल स्क्वायर फार्मूला है a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, बेस्ट फार्मूला सही। इस फॉर्मूले के हिसाब से फर्स्ट टर्म c स्क्वायर 2c into a, ac या ca बात से, and then plus b square, b में second term जो हो, a का square आ गया, ये चीज समझ में आई, a की जगह पे c है, b c है, b की जगह पे, formula के हिसाब से terms लिखे, okay बेटा, clear है, आगे मुड़ो, देखिए, minus 4, ac, अब b minus c है, a minus b दोनों brackets multiply हो रहे हैं, तो multiply करने के लिए, first bracket का first term b है, सेकंड ब्रैकेट के साथ लिखा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सी फर्स्ट ब्रैकेट टर्म उसको भी सेकंड ब्रैकेट के साथ मैच सेपरेटली लिख रहा हूं इक्वल टू 0 0 सेपरेशन, ये चीज समझ में, दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करनी है तो फर्स्ट ब्रैकेट के दोनों टर्म्स को सेकंड ब्रैकेट के साथ सेपरेटली लिखा। ओके बेटा ठीक, आगे देखो क्या हो रहा है, b स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वायर के साथ, डिफरेंट है सिंपली b स्क्वायर * c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 2ac के साथ, 2ab स्क्वायर बीच में है c डीएच का प्लस साइन, b स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर के साथ, डिफरेंट टर्म है सिंपली a स्क्वायर * b स्क्वायर, क्लियर ठीक। आगे देखते जाइए क्या हो रहा है, 4ac a b मल्टीप्लाई हो रहा ब्रैकेट के साथ b * a ab माइनस साइन, b मल्टीप्लाई b के साथ तो हो जाएगा b स्क्वायर ठीक, माइनस साइन सी मल्टीप्लाई ए सी प्लस माइनस है माइनस इनटू माइनस प्लस सी मल्टीप्लाई बी के साथ सी इनटू बी सी डी, अब बी सी अभी सी मुताबिक डी एच का नाइन टू जीरो, क्लियर ये स्टेप समझ में आई ठीक है। अब देखते हैं ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेम माइनस टू ए बी स्क्वायर सी सेम ए स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर माइनस, अब फोर ए सी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखते जाइएगा कैसे मल्टीप्लाई हो रही है, ए सी मल्टीप्लाई ए बी के साथ तो फोर ए सेम है तो ए स्क्वायर हो जाएगा बी एंड सी आ जाएगा आगे ठीक, प्लस साइन यहां पर ये माइनस दो माइनस ये माइनस टू माइनस प्लस, फोर ए सी मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली बी स्क्वायर के साथ, फोर ए बी स्क्वायर सी क्योंकि तीनों टर्म डिफरेंट है सिंपली कंबाइंड सही है, सेम ये माइनस साइन मल्टीप्लाई करके यहां पर भी माइनस है तो हो जाएगा प्लस, 4ac मल्टीप्लाई होगा ac के साथ 4 a यहां पर भी है a स्क्वायर c यहां पर भी c है तो c * c c स्क्वायर ठीक, आई बात समझ में, लाइक टर्म सेम है दोनों में तो पावर इंक्रीज हो रहा है, नहीं है तो जस्ट रख रहे हैं कंबाइन, माइनस साइन आगे के टर्म के साथ प्लस है तो माइनस टू प्लस माइनस, सेम ये 4ac मल्टीप्लाई करेंगे bc के साथ, 4 a b c दोनों के साथ ये हो गया c स्क्वायर इक्वल टू 0 सही हुई मल्टीप्लिकेशन समझ में आई क्लियर है। अब देखते जाइए क्या हो रहा है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं, टर्म जो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स है उनको रीअरेंज कर, परफेक्ट स्क्वायर टर्म a, अब देखिए पहले बेस में यहां पर a स्क्वायर b स्क्वायर को लिख रहा हूं पॉजिटिव टर्म a स्क्वायर b स्क्वायर, उसके बाद ये b स्क्वायर c स्क्वायर आ गया परफेक्ट स्क्वायर मींस पावर इवन है होल स्क्वायर एंड देन 4a स्क्वायर c स्क्वायर 4 इज परफेक्ट स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर भी चलो ये भी आ गया 4a स्क्वायर एंड c स्क्वायर आ गया, तो जो परफेक्ट स्क्वायर टर्म थे दोनों को रीअरेंज किया पहले, उसके बाद अब ये टर्म 2a b स्क्वायर c सेम टर्म हो हमारे पास है, ये माइनस भी टू प्लस भी टू वेरिएबल दोनों के सेम है तभी मैंने इनके नीचे अंडरलाइन किया है,
4 प्लस का है 2 माइनस का है, 4 में 2 माइनस करेंगे बाकी प्लस के 2 ए बी स्क्वायर सी। वेरिएबल सेम होगा, वेरिएबल पे फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट कोफिशिएंट प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, प्लस का 2। उसके बाद ए स्क्वायर बी सी माइनस में दूसरा ए बी सी स्क्वायर, दोनों डिफरेंट है, दोनों को सिंपली लिखेंगे 4 ए स्क्वायर बी सी, 4 ए बी सी स्क्वायर सेम है, इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आई, ठीक। टोटल टर्म्स हुए 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म। दिन में स्टार्टिंग वाले 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब देखते जाइए इनको कैसे रीअरेंज करेंगे, कैसे फॉर्मूला एक बन रहा है। ए बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोनों को परफेक्ट स्क्वायर, बी पे भी स्क्वायर, सी पे भी स्क्वायर, तो बी सी परफेक्ट स्क्वायर, 4a² c² b 2ac² b² c² 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 b
क्या हो रहा है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम। सो देखिए यहां पर जिस तरीके से रीअरेंज किया है वो इसके हिसाब से एक फार्मूला यूज करेंगे। इसमें कौन सा फार्मूला आपके सामने मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं। देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए या ए सी इक्वल टू, ये फार्मूला इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको जहन में होना चाहिए, है जहन में, पढ़े भी है। तो ये फार्मूला जो हवाला दिया है सेम एग्जैक्टली जो आपके सामने ये नीचे लाइन बनी है ये फार्मूला है, इसके हिसाब से बनी है। फर्स्ट थ्री टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर इस फार्मूला के हिसाब से। अब देखिए इस फार्मूला के हिसाब से हमारे पास जो टर्म है फर्स्ट टर्म जो ए स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर की जगह पे क्या है ए बी परफेक्ट स्क्वायर है। सेकंड बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज बी की जगह पे बी सी परफेक्ट स्क्वायर है। एंड थर्ड टर्म सी स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह पे टू ए सी, सी की वैल्यू टू ए सी है। ये चीज समझ में आई, ये ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, फॉर्मूला को कंपेयर कर रहा हूं। ये तो तीनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी ये जो टर्म है वाकई फॉर्मूला के हिसाब से टू ए बी टू बी सी टू ए सी है कि नहीं, ये चीज ध्यान में तभी जाके कन्वर्ट होगा। तो देखिए कैसे मैं सॉल्व करता हूं। सो फॉर्मूला के हिसाब से ये ए बी होल स्क्वायर बी सी होल स्क्वायर ए सी होल स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। बाकी रिमेनिंग जो तीन टर्म्स है वो फॉर्मूला के हिसाब से मैं लिखूंगा, प्लस टू ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू इसलिए एक्सपेक्ट की है ए बी, बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी की वैल्यू यहां पर है बी सी, एंड आगे प्लस टू बी इंटू सी तो बी की वैल्यू बी सी इंटू सी के साथ सी की वैल्यू टू ए सी। आई बस समझ में गौर से समझिएगा, जस्ट वैल्यू सब चुप कर रहा हूं फॉर्मूला के हिसाब से। प्लस टू सी इंटू ए टू सी की जगह पे टू ए सी इंटू ए की वैल्यू ए बी, सही रिमेनिंग टू ए बी टू बी सी टू ए सी जो वैल्यूज है ए बी सी की वैल्यू एक्सपेक्ट के हिसाब से लिखी। अब वेरीफाई करके देखते आया दिस वैल्यू आर सेम और नॉट, सही है। सो देखिए ये इक्वल टू जीरो क्या इक्वल टू जीरो मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक। अब ये गड़बड़ है यहां पर छोटी सी वो गड़बड़ ये। अब देखिए प्रॉब्लम में लास्ट के दोनों टर्म्स का नेगेटिव साइन है मगर हमारे पास ये पॉजिटिव साइन आ चुकी है, ये गड़बड़ है। कोई जो दो नेगेटिव टर्म्स टर्म दोनों दो नेगेटिव जो दो नेगेटिव टर्म्स है उन टर्म्स में आप देखिए आपका रिपीटेड वेरिएबल कौन सा है, दोनों में फोर कॉमन है फोर का परफेक्ट स्क्वायर टू हुआ, एंड वेरिएबल ए स्क्वायर यहां पर एक हाईएस्ट पावर वेरिएबल कॉमन ए स्क्वायर में से बी सी ए सी स्क्वायर हाईएस्ट टाइप एक तो ए स्क्वायर दूसरा सी स्क्वायर, तो मीन्स ए एंड सी बी से ज्यादा टाइम रिपीटेड है, तो मीन्स रिपीटेड वेरिएबल ए एंड सी है, तो ए सी वेरिएबल में परफेक्ट स्क्वायर टर्म कौन सा है ये टर्म नेगेटिव होगा, ठीक है। दो नेगेटिव साइन है, अगर ज्यादा दो से ज्यादा अगर साइन अगर नेगेटिव आती है, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है
दोनों टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, चलो वो डिसाइड किया नेगेटिव, जिन टर्म के साथ उनके वेरिएबल जो रिपीटेड टाइम है उन वेरिएबल वाला टर्म आपका नेगेटिव है, उस वेरिएबल वाला टर्म नेगेटिव है। अगर दो से ज्यादा नेगेटिव साइन आती तो क्या करते, तो ये फॉर्मूला नहीं बनता बच्चों, सही है, ठीक है बेटा। अगर दो से ज्यादा नेगेटिव साइन होती तो ये फॉर्मूला नहीं बनता, ठीक है जी। माइंड आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, ठीक है, अगर नहीं है क्वेश्चन तो क्लियर भी हो गया। दोनों टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो वो कैसे हम स्किप करें, अगर 2ac नेगेटिव है तो 2ac वाला टर्म ये माइनस का था, ये भी 2ac माइनस में, सही है चीज समझ में आई, नेगेटिव साइन थी, नेगेटिव साइन अब आ चुकी है, ठीक, तो मीन c की वैल्यू है माइनस 2ac, क्लियर है ये समझ में आई। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दो नेगेटिव टर्म्स है उनके साथ जो मोस्ट टाइम मोर टाइम रिपीटेड वेरिएबल जो है ए स्क्वायर है ए, बी सेम वन टाइम है, सी स्क्वायर है सी, मीन सी एंड ए बोथ आर रिपीटेड टाइम मोर टाइम रिपीट, तो ए एंड सी वन वेरिएबल्स के टर्म जो वो नेगेटिव है, ठीक। अब देखिए बाकी टर्म मिल रहे हैं, ये टू ए बी मल्टीप्लाई बी के साथ बी स्क्वायर एंड सी, सही है, मल्टीप्लाई करने के बाद टू ए बी स्क्वायर सी प्लस में टू ए बी स्क्वायर सी है, प्लस का टर्म मिला माइनस आई है, चलो आगे मूव होते हैं, प्लस साइन यहां पर माइनस है, प्लस टू माइनस माइनस, टू टू जा फोर ए बी सी इंटू सी सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके चेकआउट कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं आया प्रीवियस स्टेप सेम है कि नहीं, तो माइनस फोर ए बी सी स्क्वायर, माइनस फोर ए बी सी स्क्वायर नेगेटिव साइन, टर्म ये भी मिला माइनस सही है। लास्ट टर्म में माइनस टू माइनस प्लस टू टू जा फोर ए इंटू ए ए स्क्वायर बी एंड सी लिखेंगे, माइनस फोर ए स्क्वायर बी सी, ये भी टर्म मिला मीन सही है, माना फॉर्मूला बन चुका है, क्लियर है, इट मीन्स फर्स्ट तीनों टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर हो गए, रिमेनिंग तीनों टर्म्स हमने चेक करने थे तो फॉर्मूला के हिसाब से मैंने लिखा, अब उनको मल्टीप्लाई करके चेक आउट किया, दीज टर्म्स आर सेम, मिले बच्चों सही है, मिले मीन्स ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला हो गया, तो अगले टर्म्स को इस फॉर्म में लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में लिखेंगे, तो ए की जगह पे वैल्यू है ए बी, बी की जगह पे बी सी, सी की जगह पे माइनस टू ए सी, नेगेटिव साइन है होल स्क्वायर, फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया इक्वल टू जीरो, सही, ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब होल स्क्वायर खत्म करना, खत्म करना कैसे खत्म करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ए बी बी सी, टू ए सी होल स्क्वायर पे स्क्वायर रूट आ चुका है जीरो पे, बोथ साइड पे जीरो पे दे दो सही, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी माइनस टू ए सी इक्वल टू जीरो, जीरो पे कुछ भी पावर दे आंसर जीरो, सो ए बी प्लस बी सी टू ए सी माइनस का आप साइड पे शिफ्ट करेंगे, टू ए सी प्लस में शिफ्ट हो गया, ओके। अब शिफ्ट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे दो टर्म्स है, इन दोनों में बी को कॉमन लेंगे, ए प्लस सी इक्वल टू टू ए सी, ठीक, बी के साथ ए प्लस सी जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो बराबर उस साइड पे शिफ्ट करेंगे, कंप्लीटली फैक्टर डिवाइड में चला जाएगा, बी इज इक्वल टू 2ac upon a plus b वैल्यू मिली। अब कुछ आपके माइंड में क्लिक हो रहा है, ये क्या मिला है, तो क्लिक नहीं हो रहा, b जो है is a हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड c, जो हमें प्रूफ क्या करना था, a b c तीनों टर्म्स जो है इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो, सही, तो तीन टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो मिडिल मैन इज नोन एज हार्मोनिक मीन, ये समझाया हमने, तो हार्मोनिक मीन जो है तो उसका फॉर्मूला क्या था, टू मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एंड लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, हार्मोनिक मीन का ये सीजन में है, समझिए हमने टॉपिक दिए, तो हार्मोनिक मीन के हिसाब से बी इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी, तो इट मींस हार्मोनिक मीन इन टर्म के हिसाब से जो फॉर्मूला टू ए सी अपॉन ए प्लस मिली हुई एग्जैक्टली वो आज की आज के, इसका मतलब ये तीनों टर्म्स जो है एच पी में है, ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये तीनों हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, प्रूव्ड हो चुका है, इसीलिए ये प्रोसेस हुआ,
फाइनली आपके सामने आंसर आया। तो ये चीज कहां से, यहां से आपको ध्यान में हार्मोनिक मीन समझिए। तीन टर्म्स है ए बी सी, मिडिल वन इज मीन हार्मोनिक। तो हार्मोनिक मीन किसकी, ए एंड सी की। तो ए एंड सी की हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एग्जैक्ट वही मिला, मिला तो ये तीनों टर्म्स एच पी। ओके बेटो, ठीक है बेटा, आई बात समझ में, क्लियर है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट कंसंट्रेशन से समझना है। इसी टाइप का प्रॉब्लम से हम 3.5 एक्सरसाइज हम पढ़ के आए हैं, प्रैक्टिस करें, समझें, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट क्वेश्चन को जस्ट समझिए एंड कंसंट्रेशन से समझिए हो क्या है। प्रैक्टिस करेंगे तो समझिए जरूर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों कर रहा है, ये माइंड में क्वेश्चन होने चाहिए, तब जाके आपको फुली समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है, प्रैक्टिस करें जितनी हो सके, प्रैक्टिस करें ताकि समझ में आ जाए। ठीक, नहीं भी समझ में आ रहा, हर प्रॉब्लम में वही चीज कह रहा हूं, कोई भी चीज कंफ्यूज है, लेक्चर वीडियो के फॉर्म में उसके नीचे आप कमेंट्स में लिख दीजिए चीज समझ में आ रही है कि नहीं, या अगेन आके उस वीडियो लेक्चर को आप जैसा देखें जरूर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो फाइनली आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, वो प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझिए, सीखिए, कंप्लीट कर सकें। ओके बच्चों, ठीक है, तो आप शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगे, रिलैक्स होकर घर पर जब भी टाइम मिले मोबाइल उठाएं, लैपटॉप उठाएं, डेटा ऑन करके अपना वीडियो देखें, समझे, प्रैक्टिस करें, कोई पैसे नहीं देने, सही है, तो कोई आपके पैसे नहीं लग रहे तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको बोले वो भी शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसे चैन बने, सही है, हर किसी का फायदा हो, आपका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा, सही है, प्रैक्टिस करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अल्लाह हाफिज़।